उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट जगह है जो एडिटोरियल है उसको कितने लोग पढ़ते होंगे। ऐसे निगेटिव न्यूज़ को, ऐसे खबरों को हम ज़्यादा दिलचस्पी के साथ में पढ़ते हैं, इसलिए अखबार की मजबूरी है कि उसे इसे छापना पड़ता है। लेकिन क्योंकि अभी हमारा देश बदल रहा है और अब तो 26 नवंबर को आने वाली 26 नवंबर को हम ऐतिहासिक दिन की, जब हमारे संविधान को स्वीकार किया गया था उसको 70 साल पूरे होने वाले, मुझे लगता है कि ये एक ऐसा अवसर है हम सब लोगों के बीच में, जब संविधान ने हमको जो अधिकार दिए, जिस लिबर्टी टू स्पीच की, फ्रीडम टू स्पीच की बात सुनील जी ने, रंजीत जोशी साहब ने की, जिस राइट टू एक्सप्रेस की बात अभी सुनील जी ने की, उन दोनों के साथ साथ में जो संविधान में फंडामेंटल ड्यूटीज और सिटीजन्स ड्यूटी चार्टर का जो उल्लेख किया गया, मुझे लगता है कि अब ये समय आ गया है कि हमारे देश में हमने अधिकारों की बात बहुत वर्षों तक की, और अधिकारों की बात हमने इसलिए की, हमारा करना इसलिए मजबूरी था कि हम जो 200 साल की गुलामी थी उस गुलामी के कारण से जो हमारी मानसिकता जिस तरह की बनी थी, और क्योंकि उस समय तक हमने अपने अखबारों के माध्यम से जो अखबार आजादी के पहले छपना शुरू हुए थे उन अखबारों के माध्यम से हमने लोगों में अधिकार भाव के प्रति जागरण पैदा करने का काम पिछले 70 वर्षों तक किया है। कि एक नागरिक होने के नाते संविधान के द्वारा हमको ये अधिकार मिले हुए, अंतिम पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति तक को भी अधिकार का एहसास कराना और उसको जागरूक करना, इस दृष्टिकोण से एक बहुत बड़ा जो है बड़ी भूमिका पत्रकारिता ने, अखबार ने और बाद में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन किया गया। लेकिन अब समय आ गया है जब देश में इस बात की आवश्यकता है कि सारे समाचार पत्र, सारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग, पत्रकारिता से जुड़े हुए लोग, अब देश की मांग भी है, देश की आवश्यकता भी है और समय की मांग भी है कि हम समाज में उत्तरदायित्व के भाव का जागरण किस तरह से कर सकते हैं, उनकी ड्यूटीज को किस तरह से बताने के लिए काम कर सकते हैं। बायलिंगुअल अखबार है जहां मैंने शुरू किया था कि कहा गया कि ट्रांसलेट होगी, सब ट्रांसलेशन कई बार गड़बड़ हो जाता है क्योंकि ट्रांसलेशन के माध्यम से जिस तरह के शब्दों को ठीक भाव जो उसके कारण के माध्यम से एक्सप्रेस किए जाए। उदाहरण के लिए जब मैं आया तो मॉडरेटर बंधु यहां खड़े होकर के कह रहे थे कि जब वो मीडिया के मित्र और कुछ लोग फोटोग्राफ खींच रहे थे तो उन्होंने कहा था कि आप हैं ही ऐसे ही। अब अंग्रेजी में कोई कहता तो वो कहता सच्चे मैन, हिंदी में कहता है ही ऐसे ही, और अपन मारवाड़ी में कहता है तो है ही अड़ंत। इन तीनों में बहुत फर्क है और ये फर्क केवल जो है इस शब्दों के अर्थ से नहीं आ सकता, अर्थ केवल जो है शब्दों के अनुवाद से नहीं आ सकता, उसके भावों का अनुवाद साथ में करना पड़ेगा। और वो मुझे लगता है कि दुनिया का सबसे कठिन काम है कि जो भाव किसी एक व्यक्ति ने किसी एक भाषा में लिखे हैं उन भावों का ठीक ठीक से वापस जो है संप्रेषण योग्य जो है वो अनुवाद हो सके, ये बहुत कठिन काम है। और मुझे लगता है कि अगर डकन हेराल्ड ने, आदरणीय राजेंद्र वेस्टन हेराल्ड ने, आदरणीय राजेंद्र सिंह जी के नेतृत्व में ये जो निर्णय लिया, निर्णय साहसिक भी है और मैं इस निर्णय के लिए इनका अभिनंदन करने के साथ साथ मैं इनके साहस का अभिनंदन करना चाहता हूँ। और वो साहस का अभिनंदन इसलिए करना चाहता हूँ कि आज जब सारे अखबार, सारा प्रिंट मीडिया जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरफ ट्रांसफर हो गए, मेयर साहब ने थोड़ा सा उल्लेख किया, अब रात को 12:00 पर जो है राष्ट्रदूत अखबार अपलोड हो जाता है, आप उस अखबार को खबर छपने अखबार में छपने से पहले जब वो छापे में जाता है उसके साथ साथ अपलोड हो जाता है, उसको पढ़ सकते हो। रात को 3:00 पर हमारा भास्कर अखबार अपलोड हो जाता है, पत्रिका पहले सुबह 6:00 5:00 अपलोड होता था, आजकल कुछ उन्होंने स्ट्रेटेजिकली जो है उसको थोड़ा डिले कर दिया, वो 8-9 तक अपलोड होता है। दुनिया की सारी खबरें, और खबरों में रोचकता तभी तक है जब कहते हैं कि पढ़े हुए अखबार की भांति हो गए, कि आज एक बार पढ़ने के बाद में अखबार जिस तरह से अपनी कीमत खो देता है। हालांकि मैं इस बात से भी सहमत नहीं हूँ कि पुराने अखबारों ने भी कई बड़े आंदोलन खड़ा करने में अपनी भूमिका निभाई, लेकिन फिर भी खबरों में रोचकता बनाए रखने के लिए, उसमें नवीनता बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि वो पहली खबर के रूप में प्रकाशित हो। हालांकि पहली खबर के रूप में प्रकाशित करने की जिस तरह से गलाकाट प्रतियोगिता इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्लेटफॉर्म पर चल रही है और जिसके कारण से विश्व भर में जिस तरह का संकट खड़ा हुआ है, भारत में भी जिस तरह के अनेक संकट उसके कारण से खड़े हुए हैं, लेकिन पत्रकारिता के साथ साथ में जैसा मैंने कहा कि पत्रकारिता का ये समय है कि जब पत्रकारिता जिम्मेदारी के का एहसास जागृत करने के लिए काम करे,
लेकिन यदि हम किसी दूसरे में जिम्मेदारी और उत्तरदायित्व का भाव जागृत करना चाहते हैं तो पहले हमें अपने आप में उत्कार को, मेरी ड्यूटीज क्या है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, बीइंग ए न्यूज़पेपर मेरी ड्यूटी क्या है समाज के लिए, इस भाव के साथ में, इस सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में हम सब लोग काम करें। मैं बहुत सारी शुभकामनाएं देते हुए इनके साहस का एक बार फिर अभिनंदन करता हूँ और अपेक्षा करता हूँ कि आज ये जो दिन उदित हुआ है, ये वेस्टर्न हेराल्ड, ये जो पश्चिम से एक नया, पश्चिमी क्षितिज से एक नया सूर्य उदय हुआ है, और ऐसा अजब संयोग है कि अभी 4 दिन पहले हमने छठ के दिन अस्तांचलगामी सूर्य को नमन किया था। सब लोगों ने सूर्य को जीवन का प्रदाता है, प्रकाश के माध्यम से पूरा जीवन प्रदान करता है, और पश्चिम में जाते हुए सूर्य को प्रदा जो है वो अर्घ चढ़ा करके माताओं बहनों ने सब ने उसकी आराधना की थी। ये पश्चिम से जो नया सूर्य उदय हुआ है ये ऐतिहासिक घटना है, और ये घटना भी ठीक उसी तरह स्मृत की जाए, उसी तरह से याद की जाए जिस तरह से 21 बंगाल गजट को याद किया जाता है, या जिस तरह से उस 26 मई के दिन को, पत्रकारिता के दिन को, जब हमारा उद्दंड मारतंड के नाम से हिंदी का पहला अखबार छपा था। आने वाले समय में कोई इसी मंच पर खड़ा होकर के, या दुनिया के किसी मंच पर खड़ा होकर के कहे कि देश का पहला बायलैंगुअल अखबार जो है इस तारीख को, इस दिन, इन लोगों के मौजूदगी में हुआ था, और हम सब लोग भी शायद कहीं ना कहीं इस बात के लिए गर्व और गौरवान्वित महसूस कर सकें कि हम सब लोग भी उसके साक्षी थे, हम सब लोग भी उस दिन के सहभागी थे। बहुत सारी शुभकामनाएं, जय हिंद।